मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लगा दिया है दीवार पे, अब मैं बिना हाथ पकड़े रह सकती हूँ। तो गाइस यानी जो मैंने बताया था मीशो से मंगाया है शीट मास्क, फेस शीट मास्क, और ये इसमें ना बहुत सारे वो हैं, राइस वाला है, कुकुम्बर है ना। तो गाइस अभी मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा, और मैं सूजी का हलवा क्यों बना रही हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अपने घर में ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 11, मेरे घर का सारा काम भी हो चुका है और मैंने बनाया अपने लिए नाश्ते में पोहा, क्योंकि मेरा आज पोहा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और मैं सोच रही हूँ कि सिया जो है उसको भी रोटी सब्जी इतनी पसंद नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए आज लंच में भी पोहा ही रख दूँगी। तो जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस हफ्ते में ना एक या दो बार तो हमें अपने बालों की ना ऑयलिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं, अगर हम सर्दियों में ऑयलिंग नहीं करेंगे तो हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा रफ हो जाएंगे। और ऑयलिंग करने का ना तरीका होता है कि आप मतलब जो है ऑयलिंग जो है जड़ पे मतलब होनी ज़रूरी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप ना जब भी सर्द होएं उससे एक घंटा पहले ही ऑयल लगाएं, कभी भी रात को ना ऑयल लगा के ना सोएं, है कि आप अपना ऑयलिंग जो है बाल धोने से एक या दो घंटे पहले ही करें। तो गाइस मैं नारियल का तेल यूज़ करती हूँ, आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं मुझे बताना कमेंट करके। तो गाइस मैंने अपने बालों में ऑयलिंग कर ली है और अब मैं करूँगी घर का काम, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। बनाओ वीडियो बनाओ बोलो। हाय मैं नित्या हूँ, आप मुझे जानते हैं। अभी ना ये देखिए वो जानती है अभी कपड़े सुखा रही है। तो गाइज ये जो है ये नित्या है, ये मेरे पड़ोस में रहती है, तो ये कह रही है आंटी आज मैं ब्लॉगिंग करूंगी तो आप इसकी भी थोड़ी सी बातें। अभी ये देखिए पीछे भी कपड़े हैं। तो गाइज अभी हम कपड़े सुखा रहे हैं और आज नित्या आई है, नित्या कह रही है मैं ब्लॉगिंग करूंगी आपके। हेलो, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लगा दिया है दीवार पे, अब मैं बिना हाथ पकड़े रह सकती हूँ, मैं भी काम हो रहा है, जैसे यहाँ पे भी काम हो रहा है। नित्या हाय कर दो। तो मैं पौधों में पानी डाल दूं। इतना अच्छा लग रहा है तेरे को पानी देना पौधों में। तो गाइस मेरा बन रहा है यहाँ पर चीला, वेजिटेबल चीला है, और यहाँ बन रही है मेरी अदरक वाली चाय, थोड़ी सी है, एक कप बन रही है क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो एक कप अदरक वाली चाय बन रही है मेरे लिए। तो गाइस देख सकते हैं आप मेरा चीला रेडी हो गया, खुशबू भी अच्छी आ रही है, आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ चीला एंजॉय करने के लिए। तो गाइस अभी ना सिया ने शायद कुछ ऑर्डर किया था मीशो से, तो शीट मास्क मंगाया है उसने और मुझे पता भी नहीं था, मैंने अभी जस्ट देखा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे अच्छा लगा, 366 रुपीज़ का इसने मंगाया था शीट मास्क, इसके अंदर 12 पीसेज आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस यानी जो मैंने बताया था मीशो से मंगाया है शीट मास्क, फेस शीट मास्क, और ये इसमें ना बहुत सारे वो हैं, राइस वाला है, कुकुम्बर है मास्क का, हो और विटामिन सी है, पोमोग्रेनेट है, एवोकाडो, कीवी, बहुत सारे ब्रांड मंगाए हैं। तो अभी सी पोटैटो है, हाँ पोटैटो भी है, तो ये सारे जो है 12 इसमें आए हैं और मीशो से मंगाए हैं, आप भी चाहे तो मंगा सकते हैं और बहुत ही ज्यादा रीजनेबल रेट पे है। वैसे जो इसका एक का प्राइस है ना वो आता है 99 रुपीज का, और ऐसे में हमें 12 पीसेस 366 के मिले हैं। तो गाइस अभी मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा, और मैं सूजी का हलवा क्यों बना रही हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। तो चलो सूजी का हलवा बनाते हैं। तो गाइस मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, और मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ले ली है, और आज कुछ खास है ओकेजन तो इसी वजह से मैं बना रही हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊँगी। तो चलो पहले सूजी का हलवा बना के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सूजी डाल दी है, तो
तो गाइस जब भी आप लोग कुछ सेलिब्रेट करते हैं, आपके घर में कुछ खुशी होती है या आपको कोई नई अचीवमेंट मिलती है तो आप लोग भी उसे जरूर सेलिब्रेट करते होंगे। तो मैं भी इसको इसीलिए बना रही हूँ कि आज मुझे कुछ अचीव हुआ है, सोच रही हूँ कि मैं हलवा बनाऊँ। तो गाइस मेरा जो है हलवा बन के रेडी हो रहा है अभी, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो गाइस हमारा हलवा बन के रेडी हो गया। तो गाइस इसमें मैंने हलवा रख दिया था बना के। तो सबसे पहले हम भगवान जी को चढ़ाएंगे। तो गाइज मैंने पूजा कर ली है और मैंने भगवान जी को भी हलवा चढ़ा दिया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने क्यों बनाया था हलवा। तो गाइज जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपने 5000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, और ये जो मैंने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं मैंने आप लोगों की वजह से किए हैं। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, उन सब के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसलिए मैंने आज जो है सूजी का हलवा बनाया था, क्योंकि मैंने सोचा सबसे पहले हम ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। आप लोगों का मैं थैंक्स करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं गॉड का थैंक्स करना चाहूँगी, उसके बाद मैं आप सबका करना चाहूँगी, और उसके बाद मैं अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। और मैंने जो ये बनाया है ना सूजी का हलवा, तो मैं अभी मैंने भगवान जी को चढ़ाया था, और जो ये सबसे सेकेंड बाइट है ये आप सब लोगों के लिए गाइस। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और जैसे मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं ऐसे ही लोगों के प्यार की वजह से। तो गाइस आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस शेयर करिए। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।